पार्थेश्वर समाचार टॉप 10 बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय बेस्ट कार डील। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत में कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन अनिल और ऋषिकेश ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। अनिल देशमुख ने ईडी को खत लिखकर इस बात का जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता के बाद अब प्रशासन ने कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर में पत्थरबाजी में संलिप्त युवाओं को ना तो पासपोर्ट और ना ही सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। देश में कोरोना के नए मामले अभी भी रोजाना 40,000 के आसपास बने हुए हैं। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर संक्रमण दर में तेजी देखी जा रही है। एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमें समय रहते उचित कदम उठाने होंगे। हेलो नागपुर, मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थेश्वर न्यूज चैनल शुरू होने जा रहा है। इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। असम और मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने सोमवार को इस मसले पर बयान दिया है। मंत्री का कहना है कि वो अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब उन्हें मनाने की कोशिश भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को बाबुल सुप्रियो और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग हो सकती है। ये मीटिंग शाम 6:30 बजे के करीब होने की बात कही जा रही है। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के आप विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A के तहत अभी भी FIR दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2015 में इस धारा को निरस्त करार दिया था। मामले में इससे पहले सिर्फ केंद्र को नोटिस जारी हुआ था। नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थेश्वर न्यूज़ चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत की गुरजीत कौर 22वें मिनट में गोल दाग टीम को 1-0 की लीड लाई थी। भारतीय कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में आज शाम उतरेंगी। कमलप्रीत अगर डल जीत जाती है तो वो थर्टिक्स में मेडल लाने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अलजमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अलजमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अलजमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों पोर्न वीडियो बनाने के मामले में जेल में है। एक्ट्रेस ने पहली बार इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा शेट्टी ने आज बयान जारी किया है। एक्ट्रेस ने लिखा है, मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, आगे भी नहीं करूंगी क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है।